Today I am going to tell you how to mask the image in Python. Apply a mask for a colored image. अगर कोई आपके पास colored image है और उस पर mask लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे? Image masking means to apply some other image as a mask on the original image or the change the pixel value in the image. Masking का मतलब ये होता है कि original image पे दूसरी image को लगा करके उसकी pixel value को चेंज करना. To apply a mask on the image, we will use the hog circle method of the OpenCV module. The hog circle method detects the circle in the image. After detecting the circle, we can simply apply a mask on this circle. Hog circle method के द्वारा हम circle को detect करते हैं और फिर easy हो जाता है masking. इस सर्कल को मास्क करने में द हॉग सर्कल मेथड टेक द ओरिजिनल इमेज द हॉग ग्रेडियंट विच डिटेक्ट द ग्रेडियंट इंफॉर्मेशन इन द एज ऑफ द सर्कल एंड देन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सर्कल इक्वेशन. अब उसके लिए आपके लिए सर्कल की इक्वेशन है जिसको हम यूज करके सर्कल को डिटेक्ट करते हैं. इन दिस इक्वेशन एक्स सेंटर वाई सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. So we have the circle in the image and we can apply the mask. Consider the following program through which you can mask your image. अब आप जब circle detect कर लेते हैं तो image को mask करना easy हो जाता है और हम image को mask कर पाते हैं. Import CV2, import NumPy. इसके लिए आपको दो module CV2 और NumPy की जरूरत पड़ेगी. इमेज सी वी टू आई एम रीड. उसके लिए सबसे पहले एक इमेज हम रीड करेंगे जिसको हमें मास्क करना है एंड देन कन्वर्ट दिस इमेज इन टू आर जी बी फॉर्म. सो फॉर दैट यू हैव टू यूज सी वी टू सी वी टी कलर इमेज सी वी टू कलर डी जी आर टू आर जी बी एंड सी वी टू इमेज शो आर जी बी इमेज एंड शो दिस कन्वर्टेड इमेज RGB image and then detect the circle in the image using the hog circle. The code for OpenCV house hog circle transform. अब hog circle के सहायता से जो convert हुई है RGB image उसको हम उसके हम circle को detect करेंगे. Gray image. For that you have to convert into the gray image. CV to median blur. CV2 CVT color image 1 CV2 color RGB2 gray. अब जो RGB image बनी थी उसको gray में convert करते हैं. CV2 image show gray image. अब उस image को हमने दिखाया. पहले BGR को RGB में बदला फिर RGB को gray में बदला. अब उसके बाद हम hog circle method use करेंगे. तीन image हम आपको अभी run करेंगे तो दिखाएंगे कि पहले ओरिजिनल इमेज आएगी फिर उसके बाद आर जी बी इमेज आएगी फिर उसके बाद ग्रे इमेज आएगी. अब उस ग्रे इमेज को हॉग सर्किल यूज करके मेथड हम सर्किल को डिटेक्ट करेंगे. सी वी टू हॉग सर्किल. अब इसके क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं? इमेज होती है फिर मेथड होता है फिर डी पी होता है फिर मिनिमम डिस्टेंस होता है सर्किल पैरामीटर वन टू होगा रेडियस मिनिमम और मैक्सिमम होगा. तो सर्कल सी वी टू हॉग सर्कल ग्रे इमेज सी वी टू हॉग ग्रेडियंट मेथड यूज कर रहे हैं और डी पी वन होगा मिनिमम डिस्टेंस 20 होगा पैरामीटर 150 या पैरामीटर 250 लिया मिनिमम और मैक्सिमम रेडियस 0 है. इस तरह से हम हॉग सर्कल का पूरा इंफॉर्मेशन लिख लेंगे फिर उसके बाद उसको सर्कल को डिटेक्ट करेंगे. सर्कल को डिटेक्ट करने के लिए आपको सर्कल यूनिट यू इंट 16 एन पी अराउंड सर्कल देना पड़ेगा तो सर्कल्स आपके डिटेक्ट हो जाएंगे. टू क्रिएट द मास्क यूज एन पी डॉट फुल विच विल रिटर्न नम पाई एरे ऑफ गिवन शेप. और जैसा कि पहले भी हम लोग ने यूज़ किया है नम पाई एरे को यूज़ करके हम शेप को डिटेक्ट करेंगे गिवन शेप को
मास क्रिएट करेंगे। तो मास्किंग के लिए क्या करेंगे हम, एमपी फुल इमेज शेप 0 to 1 जीरो डी टाइप एमपी यूनिट यू इंट 8, जो यू इंट 16 लिया था वो यू इंट डी टाइप जो है वो यू इंट 8 लेंगे। और फिर जे इन सर्किल टू सर्किल मास्किंग। अब जो सर्किल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और मास्किंग करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंबाइन द इमेज एंड द मास्किंग एरे क्रिएटेड यूजिंग द बिट वाइज और ऑपरेटर एज फॉलोज। अब बिट वाइज और ऑपरेटर क्या होता है, अगर 0 1 है तो 1 हो जाएगा, 0 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 0 है तो 1 हो जाएगा। तो जो एट्रीब्यूट होता और की प्रॉपर्टी होती कि कोई एक ट्रू है तो ट्रू ले लेगा और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ले लेगा और दोनों ट्रू है तो ट्रू ले लेगा। तो यहाँ पे और ऑपरेटर जब यूज कर रहे हैं हम तो जब भी कभी वन आएगा तो वो ट्रू हो जाएगा। तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो क्या होगी, CV2 बिट वाइज और इमेज वन मास्किंग। अब दोनों इमेज को लेकर के हम उसकी मास्किंग कर देंगे। मास्किंग के लिए फॉर का लूप जो चला है उसमें दिखाई रहा है कि सर्किल वो कितने एट्रीब्यूट्स पे डिटेक्ट कर रहा है। CV2 आई एम शो फाइनल इमेज। अब जो मास्किंग इमेज बनेगी उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो थोड़ा सी टफ है जनरल लोगों के लिए, जो देखना चाहे वो देख सकते हैं कि कैसे ये हो रहा है। दिस इज फॉर द डेटा साइंस स्टूडेंट हु वांट द प्रोजेक्ट ऑन मास्किंग। और सो रन दिस प्रोग्राम एंड गेट द आउटपुट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज द RGB image. When you stop it, you will get the gray image. As I told you, I will convert the RGB image into the gray image and original image into RGB image. Then after gray image, you get the gray image, then you will get the mask image. So this is the mask image. जो ब्लू और ग्रे को मिक्स करके उसने नई इमेज को बना दिया। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज को मास्क कर सकते हैं। और एडवांस में आप पढ़िएगा तो उसके लिए आपको ओपन सीवी 4.52 चाहिए होगा, जो बिल्कुल क्लियर आपको सर्कल दूसरे कलर में करके दिखाएगा कि कौन सा सर्कल को उसने मास्क किया। तो उसके लिए आपको CV2 SCV लेंगे, इमेज रीड करेंगे और मीडियन ब्लर करेंगे, फिर उसको VGR में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको मीडियन ब्लर करेंगे, फिर हॉग सर्किल में डालेंगे और वहाँ पर हॉग सर्किल करने के बाद फिर वही यू इंट 16 करेंगे, फिर सर्किल 0 डिटेक्ट करेंगे। अब सर्किल इसमें देखिए दो सर्किल डिटेक्ट कर रहा है, पहले में 0 1 ले रहा है और 2 ले रहेगा और इसमें वैल्यू जो उसमें सारी 255 थी वो इसमें चेंज है, 0 255 02 है और 00255 है। फिर वो जो सर्किल डिटेक्ट होगा इसको दिखाएगा, फिर इसको सारे को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि मेरे पास ओपन सीवी 4.52 नहीं है इसलिए ये वाला प्रोग्राम रन नहीं होगा। अगर आप लोग के पास है तो इसको रन करके देखिएगा। यहाँ पे एट्रीब्यूट जैसे उसमें चेंजेस को चेंज करके आप लोग देख सकते हैं। सपोज आई एम चेंजिंग दिस वन इनटू 0, देन लेट्स सी व्हाट इट विल डू। देखिए ये पहली ओरिजिनल इमेज है, फिर ये RGB इमेज है। अब RGB इमेज को हमने मान लीजिए डिलीट कर दिया, बंद कर दिया। तो वो इमेज को RGB को ग्रे में बदलेगा। अब ग्रे में बदलने के बाद अब देखते हैं कि एट्रीब्यूट चेंज करने के बाद वो क्या करता है। ऑलमोस्ट सेम है, वही हमने कहा ना एडवांस आपके पास जब होगा इंफॉर्मेशन पैकेज तो आप इसको कर पाइएगा। उसके लिए आपको 4.5.2 ओपन सीवी चाहिए। लेट्स सी
you will get the 4.5 OpenCV 4.5.2. मिल तो रहा है लेकिन ये देखिए इसमें ये दिखा रहा है, आपको दिखा देते हैं इसमें वो पूरा प्रोजेक्ट में ये सर्किल जो है आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन सर्किल में। ये मेरे पे कंपैटिबल नहीं है इसलिए हम इसको नहीं दिखा पा रहे, आप लोग पे होगा तो उसको रन करके आप लोग देखिएगा। So this is all today viewers, if you like this program use it and in your project and run the whole program. This is 4.52 program in which you have to open the image in PNG form and then you have to blur it, then you have to convert it into BGR form, then convert it into get the circle of the image by hog circle method and then display the mask image. So this is a small version but work when you have a 4.5.2 OpenCV. Thank you viewers, it is all. Please share and subscribe if you like it and please follow my all social media link and join the Telegram channel. Thank you.